हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप लोगों ने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, मुंबई वर्सेस कराची। लेकिन पाकिस्तान का कंपैरिजन पूरे इंडिया के साथ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा एक महाराष्ट्र पूरे पाकिस्तान पे भारी है। हाँ दोस्तों, मैं सही कह रहा हूँ। पाकिस्तान वर्सेस महाराष्ट्र का कंपैरिजन करके कि कैसे एक महाराष्ट्र पूरे पाकिस्तान पे भारी है, पाकिस्तान का कंपैरिजन पूरे इंडिया के साथ करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपने न्यू इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही बहुत सारे मजेदार वीडियो देखने के लिए छोटे से बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कि हिस्ट्री पे बात करें तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान कैसे बना। 1947 में भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना। वहीं पे हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र पहले ब्रिटिश राज में बॉम्बे स्टेट के अंदर आता था, जो मराठा आंदोलन और गुजराती आंदोलन के बाद 1960 में महाराष्ट्र स्टेट बनता है। इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ बातें जानते हैं। जीडीपी की बात करें तो पाकिस्तान की इस वक्त जीडीपी जो 2018 में $314 बिलियन था, वो घटकर आज $283 बिलियन हो गया है। वही हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का करेंट जीडीपी $386 बिलियन है, जो 2020 तक $400 बिलियन का मार्क टच कर लेगा। कि जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ 3.3% है, जबकि महाराष्ट्र का जीडीपी ग्रोथ पूरे 12% है, जो कि पाकिस्तान से बहुत आगे है। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम $1,088 है। वही हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का पर कैपिटा इनकम $2,500 से ज्यादा है। वही जीडीपी बाय सेक्टर की बात करें तो मतलब कौन सा सेक्टर कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है उस देश की इकोनॉमी में, जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज होते हैं। तो जिसमें एग्रीकल्चर की बात करें तो पाकिस्तान में 18.5% एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री 20.3%, सर्विसेज की बात करें तो 61% कंट्रीब्यूट करते हैं वहाँ की इकोनॉमी में। वही महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर 15%, इंडस्ट्री 28% और सर्विसेज की बात करें तो 58%। वही लेबर फोर्स की बात करें तो किस सेक्टर में कितना परसेंट लोग काम करते हैं, तो पाकिस्तान में 37.4% लोग एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, 24% लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, वही 38.6% लोग सर्विसेज में काम करते हैं। वही हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 51% लोग आज भी खेती करते हैं। इंडस्ट्री की बात करें तो 9% लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, सर्विसेज की बात करें तो 40% लोग सर्विसेज में काम करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो बेरोजगारी दर की बात करें तो पाकिस्तान में 5.7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है, वही महाराष्ट्र में 4.9% चल रहा है। कि ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो पाकिस्तान का उर्दू है और महाराष्ट्र का मराठी। कि एरिया की बात करें तो पाकिस्तान का टोटल एरिया 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर है। वही हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का टोटल एरिया 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन की बात करें तो पाकिस्तान का टोटल पॉपुलेशन 21 करोड़ है, वही महाराष्ट्र का पॉपुलेशन 11 करोड़ है। कि लिटरेसी रेट की बात करें तो मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो पाकिस्तान में 65% है, वही महाराष्ट्र की बात करें तो 82% है। वही फर्टिलिटी रेट की बात करें तो मतलब एक माँ कितने बच्चों को जन्म देती है, तो पाकिस्तान का 3.5 है और महाराष्ट्र का 1.8 है। वही हम फीमेल पार्टिसिपेशन की बात करें तो मतलब कितनी महिलाएं काम करती हैं, तो पाकिस्तान में 24.8% है और वही महाराष्ट्र में 30% है। तो मतलब दोनों को इसमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। वही पावर्टी की बात करें तो कितने लोग गरीब है, मतलब एक दिन में कितने लोग $2 से भी कम कमाते हैं, तो पाकिस्तान में 2011 की रिपोर्ट के हिसाब से 12.4% है। वही महाराष्ट्र की बात करें तो 17% है गरीब है। वही हम बिलीनियर और मिलीनियर की बात करें तो अरबपति और खरबपति की बात करें तो पाकिस्तान में 3 बिलीनियर है और 19 मिलीनियर है। तो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 28 बिलीनियर है और 46,000 मिलीनियर है, मतलब अकेला महाराष्ट्र पूरे पाकिस्तान पे छा गया। अगर पाकिस्तान की फ्यूचर इकोनॉमी की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अनुसार 2025 में पाकिस्तान की इकोनॉमी $750 बिलियन होगी और उसका जीडीपी ग्रोथ 5% होगा। वही महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के अनुसार 2024-25 तक महाराष्ट्र $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का मार्क टच कर लेगा, अगर उसकी जीडीपी ग्रोथ ऐसे ही मेंटेन रही। मतलब एक महाराष्ट्र पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी पे भारी पड़ गया। टेक्नोलॉजी की बात करें तो पूरा पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट $5 बिलियन है और अकेले महाराष्ट्र का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट $12 बिलियन से ज्यादा है, जो कि इंडिया में सेकंड सबसे हाईएस्ट है। जब से महाराष्ट्र ने पुणे सिटी को आईटी और एजुकेशन हब की तरह डेवलप किया है, महाराष्ट्र का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ता जा रहा है। स्टार्टअप की बात करें तो पूरे पाकिस्तान में जितने स्टार्टअप है 237, वही पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो अकेले पूरे महाराष्ट्र में 2787 स्टार्टअप है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करें तो पाकिस्तान में पोर्ट्स की बात करें तो 2 पोर्ट्स हैं और एक
एक्स्ट्रा पोर्ट्स ग्वादर अंडर कंस्ट्रक्शन है। वही महाराष्ट्र में बात करें तो दो बड़े पोर्ट्स हैं जहाँ से सारा एक्सपोर्ट होता है महाराष्ट्र का। वही पाकिस्तान के लैंड की बात करें तो 47% जमीन पे पाकिस्तान में आज भी खेती की जाती है। वही महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 60% लैंड पर खेती की जाती है। वही पाकिस्तान में एयरपोर्ट्स की बात करें तो पाकिस्तान में आज 62 एयरपोर्ट्स है जिसमें मिलिट्री के और नॉर्मल पैसेंजर वाले भी एयरपोर्ट है। और वही महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 16 एयरपोर्ट्स है जिसमें से दो अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसमें सारे एयरपोर्ट्स पैसेंजर के लिए है। इस 16 एयरपोर्ट्स में पैसेंजर एयरपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं। वही इंटरनेट यूजर की बात करें तो पाकिस्तान में आज 70 मिलियन लोग इंटरनेट यूज करते हैं। तो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 43 मिलियन लोग इंटरनेट यूज करते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी 21 करोड़ है और महाराष्ट्र की पॉपुलेशन सिर्फ 11 करोड़ है। वहीं आपने बहुत सारे पाकिस्तानियों को तो सुना होगा इंडिया पे कमेंट करते हुए कि अपने देश में पहले टॉयलेट्स बना लो, तुम्हारे देश में टॉयलेट्स नहीं है, लोग टॉयलेट नहीं जाते हैं। तो शायद पाकिस्तान के लोगों को मालूम नहीं है या वो इतने पढ़े लिखे नहीं है। तो पाकिस्तान के एक न्यूज आर्टिकल का ही दिखा रहा हूँ, डॉन न्यूज़पेपर का आर्टिकल है जिसमें आज भी पाकिस्तान में 42% लोग टॉयलेट यूज नहीं करते हैं जिनके पास टॉयलेट नहीं है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो जब से इंडिया में स्वच्छ भारत चालू हुआ है और टॉयलेट्स बनाना चालू हुआ है, हम सभी जानते हैं कि बहुत तेजी से टॉयलेट बनाया गया, तो आज महाराष्ट्र में 84.3% लोग टॉयलेट यूज करते हैं। तो किसको ज्यादा टॉयलेट्स की जरूरत है? तो वहीं पाकिस्तान आज दुनिया के टॉप 10 ऐसे बद से बदतर कंट्री में गिना जाता है जिनके पास टॉयलेट्स नहीं है। तो किसको ज्यादा टॉयलेट्स की जरूरत है, हम सभी को बताने की जरूरत नहीं है। शायद पाकिस्तान के लोग आज का न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं है। वहीं टूरिस्ट की बात करें तो पाकिस्तान में 2017 में पूरे टूरिस्ट 1.75 मिलियन आए थे और वही महाराष्ट्र में बात करें तो 11.92 मिलियन डोमेस्टिक टूरिस्ट आए थे। डोमेस्टिक मींस इंडिया के लोग ही थे। और फॉरेनर की बात करें तो 5.08% लोग फॉरेनर आए थे महाराष्ट्र में घूमने। पाकिस्तान में टूरिज्म बहुत तेजी से घटा है, हर महीने एक दो ब्लास्ट होते रहता है, इसलिए कोई टूरिस्ट जाना नहीं चाहता। कभी मस्जिदों में ब्लास्ट, कभी मॉल में ब्लास्ट, हर जगह आतंकवाद के कारण, टेररिज्म के कारण। वही दोनों देशों की इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो पूरे पाकिस्तान में 29,944 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस होता है, तो वही हमारे अकेले महाराष्ट्र में ही 31,934 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस होता है। तो पूरे पाकिस्तान में जितना बिजली प्रोड्यूस नहीं होता उससे ज्यादा हमारे एक महाराष्ट्र में बिजली प्रोड्यूस होता है। रोड नेटवर्क की बात करें तो 263,775 किलोमीटर का है, ये 2009 का रिपोर्ट है, उसके बाद का रिपोर्ट मिला नहीं। वही महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 267,500 किलोमीटर का है, लेकिन पाकिस्तान में आज बहुत सारे रोड्स बन रहे हैं जिससे पाकिस्तान में चाइना का CPEC के थ्रू इन्वेस्टमेंट आया है, तो चाइना ने कई हजारों किलोमीटर का रोड बनाना चालू कर दिया है। वही महाराष्ट्र में भी समृद्धि महामार्ग, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे बहुत से मेगा प्रोजेक्ट के थ्रू महाराष्ट्र में भी बहुत सारे रोड्स बन रहे हैं। मेट्रो की बात करें तो किस शहर है लाहौर मेट्रो, जहाँ पे मेट्रो चलती है। वही महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में मुंबई नागपुर मेट्रो, नई मुंबई में मेट्रो का भी ट्रायल चल रहा है, पुणे मेट्रो जैसे शहरों में मेट्रो चल रहा है। मेजर सिटी की बात करें तो पाकिस्तान में कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद जैसे बड़े सिटी है। तो वही महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद जैसे बड़े सिटीज है जो वहाँ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। मेजर सिटी की बात करें तो पाकिस्तान की कराची है और महाराष्ट्र की मुंबई है। एक्सपोर्ट की बात करें तो पूरे पाकिस्तान का टोटल एक्सपोर्ट 24.27 बिलियन डॉलर है। वही महाराष्ट्र के टोटल एक्सपोर्ट की बात करें तो 60-70 बिलियन डॉलर के बीच में होता है जो कि पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान के मेन इंडस्ट्री टेक्सटाइल, कॉटन, फार्मास्यूटिकल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल जिसमें सीमेंट, फर्टिलाइजर, पेपर प्रोडक्ट एक्सेट्रा जैसे मेन इंडस्ट्रीज है। वही महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी टेक्सटाइल, केमिकल, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल, ट्रांसपोर्ट, फार्मास्यूटिकल्स जैसे मेन इंडस्ट्रीज है। वही दोनों देशों के मेगा प्रोजेक्ट की बात करें तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट हम सभी जानते हैं CPEC, चाइना ने जो इन्वेस्टमेंट किया है टोटल 62 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है और ये लोन के रूप में है। और पाकिस्तान के लोग फ्यूचर की पूरी ग्रोथ इसी चाइना के CPEC पे लगा के रखे हैं। और आपको यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो मिल जाएंगे जो इसको इतना बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। तो हमें बता दो, महाराष्ट्र में सिर्फ एक ऑयल रिफाइनरी 44 बिलियन डॉलर का है, सिर्फ एक ऑयल रिफाइनरी जिसमें सऊदी की अरामको 50% और इंडिया की ऑयल कंपनी 50% इन्वेस्टमेंट करेगी, तो आप समझ सकते हो। और वही दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 100 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है। तो अकेले महाराष्ट्र में इतने मेगा प्रोजेक्ट चालू है जिसके सामने पाकिस्तान का CPEC कितना बड़ा है आप समझ सकते हो।
आज कहां पाकिस्तान में 2019 में मेट्रो आ रहा है तो वहीं पे महाराष्ट्र आज बुलेट ट्रेन और हाइपर लूप जैसे हाई स्पीड ट्रेन को चलाने की तैयारी कर रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान का कंपैरिजन पूरे इंडिया के साथ करने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसके लिए सिर्फ हमारा एक स्टेट महाराष्ट्र ही काफी है। अब तो महाराष्ट्र छोड़िए, अब तमिलनाडु भी पाकिस्तान को पीछे कर रहा है। तो ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और छोटी सी बेल आइकन को दबाएं और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें। तो वीडियो आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।